बुखार है तो डॉक्टर हरिश्चंद्र से दवा ले लियो, और अगर किसी भाई को भाई से नहीं रुकत बनवावक तो बनवा लियो, 20 रुपया हमका देने शुक्रिया, डॉक्टर हुए बैठो। तो बात सुनकर तेरी दिल मेरा खुश हुआ, बात बॉम्बे जाने के लिए ये तार आ गया इस दम को। हेलो भैया डॉक्टर सतीश चंद यादव, ओ डॉक्टर सतीश चंद यादव बाय बाय, एक भाई इसका तबीयत खराब है और इधर से उधर फरमाइश आ रही है, जो भाई घर का जाना चाहते वो जा सकते, गाड़ी रोड पर लगी तैयार है, आप लोग घर का जा सकते हो, नहीं गाड़ी चली गई सुबेरे काहे बैठ के जाइए। राजेश देखिए तेरा बाबे से लेटर आ गया, और मुझे उम्मीद है एक ना दिन तू वकील बन के हमारा नाम अवश्य रोशन करेगा। क्यों नहीं भैया, जिस प्रकार से आप पेपर लेकर के एक इस पेड़ का नाम रोशन किया ना, उसी प्रकार से मैं आपको एक ना एक दिन वकील बन के अवश्य दिखाऊंगा। मेरे भाई तू जानता कि बचपन में हम दोनों के माँ बाप खत्म हो गए थे, मेरे बाप का एक सपना था कि छोटा भाई वकील और बड़ा भाई पुलिस ऑफिसर, जैसे तू वकील बन जाएगा इतना भाई ये वादा करता है तेरे गले में 5,000 के सोने के चैन मैं पहनाऊंगा, और ये मेरी पत्नी तेरी आरती उतारेगी जैसे तू सपना पूरा करेगा। भैया आज मेरा दिल कहता है कि मैं आपको छोड़ करके और इस घर को छोड़ के जाऊं। भैया जाओ तुम और जौने दिन तुम वकील बन के आई हो ना तो हम पूरे गांव भर में लड्डू बांटब। ए उसे लड्डू बोलते हैं। हाँ भैया डॉक्टर सतीश चंद यादव वो एक पड़िया सेमन चढ़ावे के भैया चले आओ। भाभी जी आप कह रहे हैं कोई जाता सी कोई जाए मथुरा कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीर्थ है। तूने जबरदस्ती और स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम तेरे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार तुम्हारा प्यार। तुम्हारा प्यार तुम्हारा
तुम यही से टाटा करते रहोगी, जाके राजेश को स्टेशन तक भेज कर जाओ, और कोई कमी तो नहीं रह गई। अरे दादा भाभी ललकाई चट्टी ही रह गए। अरे तो कितना बेशरम है बदतमीज। हाँ भैया उनके चट्टी ही औरतों से बातें करता है तो उनके चट्टी। अरे तो दे करके आप फौरन। अब कैसे दे, डॉक्टर पहने हैं। अब भाभी तुम अपन चट्टी डॉक्टर के दे दो, डॉक्टर वो चट्टी निकाल दिए। अरे तो जाकर के दिया फौरन। गीता क्या है स्वामी जी? अरे जब राजेश वकील बन के आएगा क्यों नहीं, हमारे दिल में खुशियों की झड़ी लग जाएगी। क्यों नहीं स्वामी जी? और समाज में मेरा नाम रोशन होगा जी। एक बात कहूं क्या स्वामी जी? आज फूल में जैसी खुशी की मलका लग रही है। अच्छा ए गीता ये फूलों की रानी बहारों की मलका तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ये फूलों की रानी बहारों की मलका तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। पुलिस की ट्रेनिंग पास करने के लिए राजेश पांपी जा रहा है, लेकिन नहीं ऐसा हम होने नहीं देंगे, क्योंकि उसका बड़ा भाई इंस्पेक्टर राजेश वकील बनेगा तो हम लोगों की गुंडगर्दी मिट्टी में मिल जाएगी। अब मुझे चंबल चलना चाहिए। और हमारे आगे सतीश चंद्र डॉक्टर, सतीश चंद्र डॉक्टर और हमारे मोदी भैया दोनों जन। ये कौन मोदी है? राष्ट्रपति तो ना है। और डॉक्टर और मोदी चड्डी पहनावे के लिए 20 रुपया दी ने, हमका शुक्रिया है। क्या बात है बाबू जी, जो तुम्हें बहुत दिनों के बाद 16 सिंह की याद आई। 16 सिंह दोस्त मन राजेश है वो हमारा जानी दुश्मन है। कल वकालत की ट्रेनिंग देने वो बॉम्बे जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि जितनी उसकी पढ़ाई लिखाई वकालत की डिग्री है जाकर के तभी मिट्टी में मिला दो। क्यों नहीं बाबूजी, ऐसा ही होगा। मगर बाबूजी हमारी एक शर्त है। क्या? इस काम के लिए मुझे पूरे 50,000 रुपए चाहिए। काम होने के बाद में हम भैया से तुम्हें 50,000 दिलवा देंगे। राजेश को ट्रेन पकड़ने के पहले सुबह स्टेशन पहुँच जाओ। होशियारी के साथ में उसके बैग में रिवाल्वर और कारतूस रख दो। रिवाल्वर कारतूस रखते समय फौरन डीआईजी राणा का फोन कर देना। डीआईजी राणा आएगा, उसे फौरन अरेस्ट कर लेगा, बाकी काम हम संभालेंगे। इस काम की चिंता छोटे बाबू जरा भी ना करो। इस काम को हमारा भाई जागीरा बहुत तरीके से अंजाम देगा। जिम्मेदारी तुम्हारी है सोला, समझे? ठीक है। आओ राजेश आओ, हम तुम्हें तुम्हारी वकालत की मंजिल तक पार नहीं होने देंगे, क्योंकि आज
आज के बाद तुम्हारी कुंडली में 16 नाम का शनि जो प्रवेश कर रहा है। आज वकील बेटे के दिन बम जला रहा हूं, जब वकील बन गया होगा तो मेरे भैया और मेरी भाभी के नजरों में मेरा मान सम्मान और भी बढ़ जाएगा। और हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा पुना देश, हम परदेसी हो गए। बच्ची बाकी गाड़ी सब खलिए चली गई, गाड़ी के समय हुई का गाड़ी खलिए चली गई, दो गाड़ी बची हैं। और जिस भाई को जाना बराती भाई को तो जा सकता है, वरना ही नहीं गाड़ी चली गई सवेरे आप लोग पैदल गई हो। नहीं राजेश नहीं, तुम्हें वकालत की मंजिल पार नहीं होने देंगे। आह पानी बेटा, आप बहुत परेशान लगते हो। बेटा मुझे प्यास लगी है, एक गिलास मुझे पानी पिला दो। आपके प्यास लगी बाबा। याद मुझे कहीं नल भी नहीं दिखाई देता है। ऐसा करो, ये मेरी बैग आप देख रहे हैं ना, मैं आपके लिए पानी लेके आ रहा हूँ। ठीक है बच्चा। बाबा ये तो हर इंसान का फर्ज होता है, और पानी पिलाना यही तो इंसान यानी कि कर्तव्य और धर्म कहलाता है। सही कहते हो बच्चा। आप मुझे आशीर्वाद बाबा, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। हेलो हेलो डीआईजी राणा, हेलो राजेश नाम का मुलजिम स्टेशन पहुंच रहा है। स्टेशन पहुंचने से पहले उसे अरेस्ट कर